18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती है और माँ बाप की हाइट छोटी है तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ऐसे बहुत सारे गलत मिथ है जो आज हम पूरी इंडस्ट्री में गंदी तरीके से फैला हुआ है। मेरे अपनी पर्सनली मैंने अपनी हाइट बढ़ाई है और इस वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगा मेरी हाइट 18 साल के बाद कितनी बड़ी है और आज मेरी हाइट कितनी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो आप देख लोगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं जब 18 साल का था तो मेरी हाइट 5.5 थी। सच्ची में जिसकी हाइट कम होती है बस वही जान सकता है कि कितना बेकार लगता है, क्योंकि आपके दोस्त लंबे हो चुके रहते हैं, आपके फैमिली में सब लंबे हो चुके रहते हैं। और दूसरा मिथ जो है वो है माँ बाप की हाइट छोटी है तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी। मेरी भी माँ बाप की हाइट कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो मेरी मम्मी 5.1 है और मेरे डैड भी 5.5 इंच के ही है। और मेरी हाइट भी 5.5 ही कलर हुई थी, जबकि डेढ़ से 1-2 इंच हाइट बड़ी रहनी चाहिए। और मैंने भी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी थी, रोज़ाना रोज़ एक एक वीडियो देखते देखते रोज़ मोटिवेट होता था कि हाइट बढ़ जाएगी। रोज़ एक एक वीडियो देख देख के ट्राई भी किया, उसमें से कोई भी इफेक्टिव नहीं निकला। उसी लिए मैं गूगल पर सर्च करने लगा यूट्यूब के हाइट कैसे बढ़ाए। तो सर्च करते करते मैंने एक आर्टिकल पे आया। वो आर्टिकल एक पर्सनल स्टोरी पे बेस्ड थी, जिन्होंने वो अपनी हाइट बढ़ाई थी। उन्हीं का वो आर्टिकल्स मैंने पढ़ा, उनसे बात किया, उनका सब राय लिया। उनकी राय से मैंने जो उनको फॉलो किए थे लगभग 6 महीने मैंने फॉलो किए थे। ज़्यादा तो मेरी हाइट नहीं बढ़ी थी, फिर भी इतना बढ़ गई थी कि पहले से जो बहुत काफ़ी खुश था। और आज मैं इस वीडियो में वही 5 टिप्स के बारे में बात करूँगा क्योंकि वो आर्टिकल में लिखा था और जो मैंने फॉलो करके अपनी हाइट खुद बढ़ाई। नंबर 5, अगर आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखी होगी कि हाइट कैसे बढ़ानी है तो आपको इतना पता चल गया होगा कि स्लिप कितनी कंपलसरी है, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपकी हाइट जो है रात में ही बढ़ती है। इसीलिए आप जितना ज़्यादा सोएंगे उतनी अच्छी आपकी हाइट बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती है। और मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको ज़्यादा सोना है केवल, जैसे कि 1 बजे सो रहे हो 10 बजे उठ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जल्दी सोने की कोशिश करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैं पहले 12 बजे सोया करता था, पर अब मैं कोशिश करते करते 10 बजे सोने की ट्राई करता था पर सो नहीं पाता था। पर धीरे धीरे करते करते आखिरकार 10 बजे नींद आने लग गई और 10 से मैं 6 बजे तक सोता था। स्लीप में आपको बस यही करना है, बस ये ध्यान देना कि जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। नंबर 4, डाइट। ये बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपको हड्डी बढ़ने, आपके बोन मैरो हड्डी हाइट बढ़ाने के लिए आपको कैल्शियम और प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए, और भी बहुत मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो आपको चाहिए हाइट बढ़ाने के लिए। तो आप सोचोगे कि आप क्या खाए क्या नहीं खाए, क्योंकि इतना तो हम लोग स्टूडेंट रहते हैं उस समय, तो इतना हम लोग आइडिया नहीं रहता है कि क्या खाना है, क्या ये वो कैसे खरीदे, कोई सपोर्ट ना करता नहीं है, केवल जिसका हाइट नहीं बढ़ रहा है उसी को पता है ये कैसा महसूस होता है। तो मैं पर्सनली मैं भी ऐसे कुछ वो नहीं, प्रोटीन का पाउडर कुछ ऐसा कुछ खरीदा नहीं था कि हाइट बढ़ा जाए, ये बढ़ा ले वो बढ़ा ले। मैंने सिंपली मेरे घर में दूध आया करते थे, वो बस मैंने वही सुबह और शाम को पीना चालू किया। डेली बेसिस पे मैं केवल दूध ही पीता था, और वो सच्ची में दूध में सब कुछ आपको मिल जाता है, लगभग सब कुछ ही मिल जाता है। इसलिए आपको मेरे हिसाब से तो सुबह 1 गिलास दूध और रात को 1 गिलास दूध पीना है। आपका पूरा डाइट का जितना भी हड्डी बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो आपको सब कुछ मिल जाता है दूध में, इसलिए आप केवल डाइट में दूध पिए और खाना जो है आप नॉर्मल किसे खाए। टिप नंबर 3, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में मैंने केवल 3 ही एक्सरसाइज किया था जो काफ़ी इफेक्टिव था। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है रनिंग। रनिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, जल्दी सोना है जल्दी उठना, तो आप जब जल्दी उठोगे तो आपको सुबह रनिंग करना ही करना। एक भी दिन स्किप बिल्कुल भी मत करना, रोज़ाना आपको केवल 6 महीने रनिंग करना, देखना काफ़ी इफेक्टिव मिलेगा आपको अपने हाइट में। तो रनिंग में मैं केवल 1 किलोमीटर भागा कर, पहले तो नहीं भाग पाता था, पहले 500 मीटर, फिर धीरे 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 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भागने लग गया। तो पहला चीज़ है आपको रनिंग ये करना है। फिर दूसरा चीज़ है हैंगिंग, जो आपको बॉडी को पूरा स्ट्रेच कर देता है।
हैंगिंग में जैसे कि आप केवल सोच रहे होंगे कि आप केवल लटकना है, ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में मैं यही करता था, इसलिए कुछ इफेक्ट नहीं मिलता था। आपको लटकना तो है हैंगिंग, कहीं भी गार्डन में जाओ, कहीं भी जाओ, लटकने के साथ आपको देखना है कि आपको कोई छोटा बच्चा या कोई भी है तो उसको अपने कमर में लटकाना है, उसको भी फुल स्ट्रेच हो जाए। ये चीज़ मैंने किया था तो काफ़ी मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला। तो ये चीज़ आप ज़रूर करना कि आप जब भी लटके तो किसी को साथ में ले, छोटा लड़का या कोई हो या दोस्त भी हो, उसको बोलो कि नीचे से पकड़ने को, आप नीचे से पकड़ के आपको खींचे, इससे पूरी बॉडी जो है स्ट्रेच होने लगती है और धीरे धीरे जो है बोन में थोड़ा गैप आने लगता है, जिससे थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी हाइट बढ़ जाए। और तीसरा चीज़ है बास्केटबॉल। सच्ची में ये ज़्यादा सब ये दोनों एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जैसे कि इधर जानते ही हो, इधर बास्केटबॉल खेलने का जगह तो है नहीं, तो इसीलिए मैं क्या करता था कि जैसे कि कोई चीज़ है जैसे 8 फीट 10 फीट ऊपर, तो उसे छूने की कोशिश करता था रोज़। मतलब सुबह उठता था जब रनिंग कर लेता था, तो रनिंग करने के बाद और शाम को 4 बजे के बाद कोई भी जैसे मेरे घर में या मेरे गार्डन में कहीं भी जाता था तो मैं कोशिश करता था कि उसे छू लूँ। तो रोज़ाना मैं 10, 20, 30, 40 जंप मैं मारे ही करता था, तो वो भी काफ़ी इफेक्टिव मिला था, इसलिए वो एक्सरसाइज करके भी मुझे। तो एक्सरसाइज में आपको बस केवल ये 3 चीज़ पे ध्यान देना है, तो ये 3 चीज़ आप जरूर करना एक्सरसाइज में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर बिल्कुल भी मत मानना, नहीं तो आपको अच्छे से रिजल्ट जो है आपका नहीं मिल पाएगा। दूसरा टिप ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको अपने पेट का जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है। वो मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ेगा, तो आपको जब भी आप सुबह उठ रहे हो, जब रनिंग करने के लिए निकलोगे, तो आपको 1 गिलास पानी पीना है, सोते समय भी 1 गिलास पानी पीना है, और पूरे दिन भर में आपको जितना हो सके उतना पानी पीना है। फिर भी एक एवरेज से बताओ, जितना आपका वेट है, जैसे कि मेरा वेट 70 किलो था, तो मुझे 7 लीटर पानी पीना ही था पूरे दिन में, ये मैं टारगेट बना के रखा था। तो आपको जितना वेट है उसके हिसाब से आप देख लेना कि कितना पानी पीना है रोज़ में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको इग्नोर मत करना, आपको इसको डेली बेसिस पे करना है। रोज़ाना आपको जितना आपका वेट है उतना पानी आपको पीना ही पीना है। नंबर 1, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 4 टिप फॉलो भी करोगे और अगर ये टिप फॉलो नहीं करोगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो टिप नंबर 1 है मेडिटेशन। इसमें आपको करना क्या है, आपको एक खाली पेज लेना है, उसमें बीच में एक डॉट बनाना है ब्लैक कलर का, कोई भी पेन या मार्कर हो कुछ भी हो, बीच में डॉट बनाना है पीनट जितना, और उसे दीवार पे चिपका के रोज़ाना उसे बिना आग झपकाए आपको 5 मिनट देखना ही देखना है। तो 5 मिनट जब आप देख लोगे तो 2 चीज़ है जो आपके साथ ज़रूर होगी, एक है आंसू आएगा आपके आँखों से बहुत, दूसरा चीज़ है आपको पलखे जो है बहुत ज़्यादा फड़केंगे, और तीसरा चीज़ है कि आप जो डॉट है वो आप गायब हो जाएगा, आपसे दिखना कम दिखने लगेगा। तो जब ये 3 चीज़ हो तो आप समझ लेना कि आप सही कर रहे हो। तो इस चीज़ को आप जब 5 मिनट कर लोगे, जब आप डॉट जो है गायब होने लग जाएगा, तो आपको सिंपली आँख बंद करना है। आँख बंद करने पर आपको जो डॉट है वो आपको दिखेगा, को जब इमेजिनेशन करोगे, जब आग बंद करोगे तो आपको डॉट दिखेगा, उसी पे आपको फोकस करना है, और ज़्यादा नहीं केवल 2 या 3 मिनट आपको फोकस करना है, और ये आपको डेली बेसिस पे करना है। 6 महीने तो करे क्योंकि 3 महीने किया था तो उतना इफेक्ट नहीं आया, पर 6 महीने जब किया तो भी आपको इफेक्ट नहीं आएगा, पर आप देखे होगे कि आप झटके में आपका एक टाइम आएगा जो आपका हाइट बढ़ गया है। तो आपको उसको डेली बेसिस पे करना है। इसका बेस्ट टाइम अगर मैं बोलूँ जो मैं करता था, जब मैं रनिंग करके एक्सरसाइज कर लिया करता था, तब मैं सुबह के टाइम एकदम शांति के वक्त में से किया करता। और आपको कुछ इस तरह से आपको पेपर में मेडिटेशन करके आपको यहाँ डॉट बनाना और दीवार पे चिपका के मेडिटेशन करना है। बस यही 5 टिप्स अगर आप फॉलो कर ले तो एकदम दिल से एकदम मतलब रोज़ाना एक भी दिन मिस बना के आप उसको फॉलो कर लेते तो 100% जो है आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और मुझे आपको बस एक चीज़ और बताना है कि 18 साल का जब मैं था तो मेरी हाइट थी 5.5, और अब जो मेरी हाइट है वो है 5.8। मैंने केवल 3 इंच जो है अपनी हाइट बढ़ाई थी। मैंने ये 6 महीने किए थे पर उस समय मैं हाइट नहीं बढ़ा, डीमोटिवेट होकर छोड़ दिया, पर अचानक से जो है मेरी हाइट इंक्रीज़ हो गई थी, 3 इंच इंक्रीज़ हो गई थी हाइट मेरी। और ये हुआ था, मैंने स्टार्ट किया था जनवरी में, और उसको मेरी हाइट में मेरे को अक्टूबर में जाकर रिजल्ट मिला था। तो आप पेशेंस रखना, ये आपकी हाइट 100% मिलेगी,
और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और ऐसे वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आते रहेंगे, इसलिए आप वीडियो में बने रहना। तो आज के लिए बस इतना ही, सी यू टू।